दर्शकबिन नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली के अंदर विद्यमान नीच ग्रहों का शांति किस प्रकार करना चाहिए और क्या ग्रह नीच होने पर हमें केवल हवन यज्ञ कराना चाहिए अथवा हवन यज्ञ के अलावा भी किसी ग्रह को सहज तरीके से दोष निवारण किया जा सकता है अथवा किन ग्रहों को किन अवस्था में हमें यज्ञ कराना चाहिए, किन अवस्था में होने पर हमें दान करना चाहिए और किन अवस्था में ग्रह होने पर हमें उनके शांति के लिए जल प्रवाह करना चाहिए। ये बहुत बड़े विषय हैं, आप इन विषय को हल्के बना लें और जो भी यूट्यूब के माध्यम से जो भी ब्राह्मण इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस चीज से जरूर सीख लेंगे, ये आशा करता हूं। हमारे कुंडली के अंदर ग्रह अग्नि तत्व में विद्यमान हो तो हमें यज्ञ कराना चाहिए, मंत्र जप कराने के पश्चात हमें यज्ञ कराना चाहिए, तभी हमें उन चीजों का फल सहज तरीके से प्राप्त होगा। अगर हमारी कुंडली के अंदर ग्रह जल तत्व में जाकर विद्यमान है और वो ग्रह निम्न स्थिति पर विद्यमान है तो जल तत्व को निवारण करने के लिए, जल तत्व को ग्रह को प्रसन्न करने के लिए अथवा पापिक तत्व ग्रह को शुभ फल में परिणत करने के लिए हमें जल प्रवाह करना चाहिए। अगर हमारे कुंडली के अंदर ग्रह स्थिर अवस्था में अथवा पापयुक्त तो होकर स्थिर अगर अवस्था में है तो उन ग्रहों को हमें दान करने से उन ग्रहों का फल, नकारात्मक फल दूर होता है और सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में मिल जाता है। तो आपके कुंडली के अंदर ग्रह जल स्थिति पर विद्यमान है तो अगर इस स्थिति पर विद्यमान ग्रह के लिए अगर हम दान करते हैं तो उन दान आपको सहज फल प्रदान नहीं कर पाएगा, वही आप हवन यज्ञ पूजा कराने से भी आपको वो फल प्रदान नहीं कर पाएगा। अग्नि तत्व में है तभी जाके आप हवन कराएंगे, मंत्र जप कराएंगे, तब वो फल प्रदान कर पाएगा। विशेषकर कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अगर नीच अवस्था में है तो उनके लिए आप किसी भी ब्राह्मण के पास जाकर ही बोलेंगे कि पाप युक्त है, जल तत्व में अथवा अग्नि तत्व में अथवा स्थिर तत्व में किस स्थिति पर हमारे कुंडली के अंदर ग्रह विद्यमान है तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उसका सहज अथवा सटीक परिणाम आपको प्राप्त होगा। आपके कुंडली के अंदर उत्पन्न नीच ग्रह उसको फल प्राप्त करने के लिए जिन तत्वों में ग्रह विद्यमान है उन्हीं तत्वों के अकॉर्डिंग अगर हम उपाय करेंगे तो वो उपाय आपके लिए सहज और सटीक फल आपको प्रदान करेगा। मैं यदा कदा मैं देखता हूं कि जो ग्रह अग्नि तत्वों में विद्यमान है उन ग्रहों के लिए वो आदमी जल प्रवाह कर रहा है, जिनके जल प्रवाह करने वाले तत्व पर विद्यमान ग्रह है उनके लिए हवन यज्ञ कराया जा रहा है जिसका फल उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा, जिससे ज्योतिष अथवा अपने कुंडली पर व्यक्ति विश्वास से अविश्वास की तरफ जा रहे हैं। इसलिए इन चीजों को विशेषकर ध्यान रखें। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि अग्नि तत्व, जल तत्व अथवा थल स्थिर तत्व कारक ग्रह किस अवस्था में जानना चाहिए, इनके वीडियो और इन ग्रहों के बारे में वर्णन मैंने किया है, वो हमारे वॉल पर जाकर वो वीडियो अवश्य आप देखें जिससे आपको सहज और सटीक आपको जानकारी भी मिल पाएगा। रही अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क सूत्र आपने वीडियो स्टार्टिंग में भी आपने देखा होगा और नोट करना अगर चाहते हैं तो 8899007 और 50 इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे तो आपको सहज अथवा सटीक जानकारी आपको सरल तरीके से प्राप्त हो पाएगा। हरिओम।